है इंडियन सिस्टम में जो कि हमारी भारतीय प्रणाली है और इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। इसमें हम बहुत बड़े बड़े नंबरों को जानते हैं, उनको 60 में लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। और इंडियन सिस्टम आपका इसमें देखिए, यहाँ पे हम एक चार्ट बना रहे हैं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का, जैसे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़, ये हमने एक चार्ट बनाया है। इसमें देखिए अलग अलग पार्ट इसको कर दे रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। ये आपका इंडियन सिस्टम का है, किसका है, इंडियन सिस्टम। और यहां पे हम एक चार्ट बना रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम का, इसमें देखेंगे आप ये इससे थोड़ा डीपर होगा इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें क्या होता है, वर्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, इसमें लाख जाता है, इसमें क्या हो जाएगा हंड्रेड थाउजेंड होगा। हंड्रेड यस से हमने हंड्रेड कर दिया, उसके बाद हंड्रेड थाउजेंड, उसके बाद देखेंगे आप ये टेन लाख गया, यहां पे हंड्रेड थाउजेंड हुआ, इसके बाद ये मिलियन में चला जाएगा, इसमें मिलियन में। और उसके बाद इसमें देखिए क्रोर है, इसमें क्या हो जाएगा टेन मिलियन, टीएम हमने यहां पे शो किया है। उसके बाद इसमें क्या है टेन क्रोर है, इसमें टीएम यानी टेन मिलियन के बाद क्या हो जाएगा हंड्रेड मिलियन, हंड्रेड मिलियन एचएम हमने यहां पे शो किया है। तो आप देखेंगे अपने एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन को आपको इंडियन सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना रहेगा, कॉमा का यूज करना रहेगा, या उनका नंबर नेम लिखना रहेगा, या नंबर्स को लिखने रहेंगे, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आपको इंडियन सिस्टम में हमने जैसे यहां पे कोई नंबर दे दिया है 9 crore 99 lakh 99,999, यहां पे हमने कॉमा का यूज किया है। अब देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख क्रोर, क्रोर पे कौन सा नंबर है, नाइन है, सब नंबर नाइन है, बट आप यहां पे प्लेस देखेंगे कौन किस पर है। वंस देखिए नाइन है, तो यहां पे हम चार्ट में नाइन को किस पर रखेंगे, वंस पर। फिर सेकेंड देखिए किस पर है, टेंस पर, हमने टेंस पे रखा। फिर उसके बाद क्या हंड्रेड पर नाइन है, हमने नाइन को हंड्रेड पर रखा। फिर देखेंगे थाउजेंड वाले प्लेस को देखेंगे, थाउजेंड पर क्या है नाइन है, फिर उसके बाद क्या है नाइन है टेन थाउजेंड पर। अब ये देखिए इनको वंस में मानते हैं, और ये किसका नंबर है थाउजेंड का, ये किसका है, फिर उसके बाद लाख का हो जाएगा, ये आपका क्रोर का हो जाएगा इंटर इंडियन सिस्टम में। तो यहां पे आपका हो गया नाइन। फिर देखेंगे लाख पर भी आपका नाइन है, टेन लाख पर भी नाइन आपका है, उसके बाद क्रोर आपका आता है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख क्रोर, यहां पे देखेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख क्रोर, हमने क्रोर तक का नंबर दिया है, टेन क्रोर का नंबर नहीं लिया, इसलिए इसमें कुछ भी हमने फिलअप नहीं किया है। अब इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं, आपको इसमें देखिए आपका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड, इसके बाद आपका थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद लाख में जाता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में एक डिजिट और इसमें से लेंगे वो हंड्रेड थाउजेंड में जाएगा। तो यहां पे देखते हैं इसको हम इस तरह से लिखेंगे वर्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन लिखेंगे 99 मिलियन, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे हैं 99 मिलियन 999,999 वर्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन। अब यहां पे देखेंगे आप इसको नंबर को फिलअप करेंगे, तो वंस वाले प्लेस पे आप नाइन लिखे, टेंस पर भी आपका क्या हो गया नाइन हो गया, हंड्रेड पर आपका नाइन हो गया, फिर आपका थाउजेंड नाइन टेन थाउजेंड नाइन, फिर उसके बाद आपका हंड्रेड थाउजेंड आपका नाइन होगा, हंड्रेड थाउजेंड नाइन होगा,
फिर उसके बाद मिलियन में आएगा, मिलियन और 10 मिलियन, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो आपको इसी के ऊपर एक्सरसाइज आपकी दी गई है, आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नोट करेंगे, उसको अपनी बुक में देखेंगे। स्टूडेंट यू विल लुक नाउ एक्सरसाइज 1.1 आप योर बुक, हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, देयर आर 3 ऑप्शन इन ऑल क्वेश्चन बट यू चूज 1 ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है, आंसर के रूप में लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है द न्यूमरल फॉर 83,328,632 इज, आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन थर्ड दिया गया है। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे कि आपको इसमें से इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज करना है जो कि क्या लिखा हो, 83 मिलियन लिखा हो, 328,000 लिखा हो, 632 लिखा हो, उस ऑप्शन को आपको चूज करना आंसर के रूप में। तो यहां पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आप मैच करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन से वर्स यस 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, पहले देखेंगे किस सिस्टम में है। जब आपका 100 में जाएगा तो आपका किसमें हो जाएगा, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100, इसमें जाएगा तो आप जान लीजिए कि इंटरनेशनल सिस्टम हो रहा है आपका, कौन सा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। और ये देख लेंगे नंबर नेम भी किसमें लिखा गया, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ पे आप काउंट करिए वंस टेंस करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे वंस टेंस 100,000, 10,000, 100,000,000, 10,000,000, आपको क्या मिला, 10 मिलियन। यानी आप पढ़ेंगे इसको 83,286,322, जबकि आपको क्या करना है 83,328,632 लेना है। यहाँ पे सेकेंड काउंट करेंगे वर्स टेंस 100,000, 10,000, 100,000,000, 10,000,000, 83 मिलियन आप मिलाएंगे 83,328,632, आपने देखा कि ये आपका जो नंबर है वो आपको जो नंबर्स नेम दिया गया उससे मैच कर रहा है, क्योंकि देखेंगे 83 मिलियन दिया गया है, आपने यहां काउंट किया वंस टेंस 100,000, 10,000, 100,000,000, 10,000,000, अब ये आपका मिल गया क्या 83 मिलियन। उसके बाद क्या दिया 83 मिलियन के बाद 328,000, आप यहां पे देखेंगे 100,000 पर 3 है, 328,000 है, 2 क्या है 10,000 पर है, और ये आपका 8,000 पर है, 328,000 भी मिल गया। और उसके बाद आपका क्या है 300, 328,632, यहां पे दिया गया है 632 और आपका यहां पे मिल गया 632। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे फर्स्ट में, बी, ये आपका आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट हो गया आपका बी ऑप्शन से। तो इसके बाद सेकंड आप देखेंगे, सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में दिया जाएगा, हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भी इस बार भेजेंगे, आपको समर वैकेशन से पहले आपको जो भेजा गया था वो आपको वीडियो केवल भेजी जा रही थी, इस बार से हम सॉल्व करके भी क्वेश्चन को भेजेंगे पीडीएफ के माध्यम से। आप प्रयास करिएगा सेल्फ सेकंड और थर्ड सॉल्व करने का, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, इसको पढ़ दे रहे हैं। सेकंड दिया गया है द न्यूमरल फॉर 900,2,105,063 इज, ये जो आपको नंबर नेम दिया गया है उससे आपको इस नंबर में मैच करना है, कौन सा नंबर मैच कर रहा है उसको आपको अपने ऑप्शन में राइट करना है। फिर उसके बाद आपको थर्ड दिया गया है द न्यूमरल फॉर 11,33,51,762 इज, इस नंबर को कैसे लिखा जाएगा, या आपका इंडियन सिस्टम में है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन में से जो राइट होगा उस पे आप टिक करेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम लोग पीडीएफ के माध्यम से भी इस बार भेजेंगे, मैथ का सॉल्यूशन आपको भेजा जाएगा,
तब तक के लिए थैंक यू।